बताइए अगला स्टॉक कौन सा आपका जी मैं अभिषेक का जो आ, व्यू था उसको एक्सटेंड करूंगा कि टेयर टू टेयर थ्री और जो एक बड़ा तबका है जो बोरो करता है पर मैं कहूंगा एक जो बोरोअर है उसकी और भी नीड्स हैं उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए इंश्योरेंस भी चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है उसको बैंकिंग भी करनी है काफ़ी सारी चीज़ें कि बोरो ही नहीं करना नहीं। तो उसमें मेरा पिक है जियो फाइनेंशियल सर्विसे जो पिछले साल ही लिस्ट हुआ और अभी भी लोगों के दिल में मैं बात करता हूँ काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कंपनी बनेगी कब बनेगी कब इसके नंबर्स आएंगे कब बिजनेस स्टार्ट होगा मैं उसके बियॉन्ड देख रहा हूँ करती क्या करती गया अभी हाँ अभी वो कह रहे हैं कि हमने म्यूचुअल फंड का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है अभी हम क्रेडिट कार्ड के लिए करेंगे अभी हम इंश्योरेंस भी करेंगे हम अ, लेंडिंग भी करेंगे मतलब हर तरह की चर्चा है पर मुझे लग रहा है चर्चा के पीछे काम भी काफी हो रहा है जो अभी दिख नहीं रहा है तो उसको उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है और साइज वाइज मैं कहूंगा तो अगर मैं रिलायंस का जो उनका ट्रेजरी स्टॉक है उसकी वैल्यू लूँ बढ़ के एक लाख करोड़ ऑलमोस्ट हो गया है और ऊपर से कोर बुक वैल्यू सवा पच्चीस हज़ार करोड़ के आसपास है पच्चीस तीस हज़ार तो उसके सामने जो मार्केट कैप है अभी भी वन पॉइंट टू टाइम्स ही है तो उसका कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है उसको पर मुझे लगता है ये जो बुक वैल्यू मल्टीपल है ये रैली बढ़ेगा तब जब बिजनेस स्टार्ट होगा जब लोगों को एक्चुअली कार्ड uh, ले सकेंगे पेमेंट कर सकेंगे तब ये पूरा माहौल बदलेगा और तब ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी रीरेट होगा मुझे इसलिए लगता है जियो क्योंकि एक स्केल इनबिल्ट है छोटा काम नहीं करेंगे करेंगे तो नेशनल लेवल का बड़ा काम करेंगे और खुद कैप्टिव कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है।, है जियो टेलीकॉम के कस्टमर्स हैं जियो रिटेल के कस्टमर्स हैं तो एक कैप्टिव आपके पास कस्टमर बेस है जो ऑलरेडी ये सारी सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है पर अब आप, आप उनको ये सब सर्विसेज दे सकते हैं सिर्फ लेंडिंग ही नहीं करनी है आपको लोन ही नहीं देना है सारी चीज सारी आप क्रेडिट कार्ड दीजिए आप उनका पेमेंट फैसिल जियो पे के थ्रू पेमेंट जो पेटीएम कर रहा है वो आप कर सकते हैं फिर इंश्योरेंस में उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया आएंगे म्यूचुअल फंड का अभी कल ही आया अनाउंसमेंट की तो ये इतने बड़े स्पेसेस हैं नीरज जी की मुझे लगता है कि हर एक स्पेस में वो ग्रो करेंगे तो ये कंपनी की वैल्यू सिर्फ बुक वैल्यू से नहीं नहीं रहेगी क्योंकि बुक वैल्यू का मल्टीपल सिर्फ लेंडिंग कंपनीज को दिया जाता है पर आप यहाँ पे पूरा फी बेस्ड काम कर रहे हैं तो ये जो अभी करेंट मार्केट वैल्यू है कंपनी की मुझे लगता है बहुत कम है पर लोग वेट कर रहे हैं कि ये कब दिखे बिजनेस के माध्यम में कब मैं रिलायंस जियो का मैं इंश्योरेंस खरीद पाऊँ कब मैं उसका क्रेडिट कार्ड ले पाऊँ कब मैं उसके म्यूचुअल फंड में सब तब लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब ये लेना चाहिए अब बिजनेस स्टार्ट हो गया है तो मुझे लगता है ये एक डार्क हॉर्स है मेरे हिसाब से क्योंकि ऑलरेडी कल लार्ज कैप सेगमेंट में भी ऐड हो गया है